इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, और ये बड़ी खबर जो आ रही है पेंडिंग शिकायतों को लेकर। पेंडिंग शिकायतों पर गृहमंत्री अनिल विज का एक्शन देखने को मिला है। गृहमंत्री ने 13 जिला पुलिस अधीक्षकों से इस बाबत जवाब मांगा है। 1000 से ज्यादा पेंडिंग शिकायतों पर ये जवाब मांगा गया है। तो इस वक्त की ये एक और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 15 दिनों में जिला पुलिस अधीक्षकों को अब जवाब देना होगा। तो अनिल विज एक्शन में नजर आ रहे हैं, और पेंडिंग शिकायतों को लेकर अब उन्होंने 13 जिला पुलिस अधीक्षकों से जवाब मांगा है। इसके साथ ही जानकारी यह भी है कि 1000 से ज्यादा पेंडिंग शिकायतों को लेकर यह जवाब मांगा गया है गृहमंत्री अनिल विज की ओर से, और 15 दिन का समय दिया गया है अधिकारियों को। जो भी पेंडिंग शिकायतें हैं उसके बारे में क्या कुछ एक्शन आपकी ओर से लिया जा रहा है, किस तरीके से आप इनका निपटारा करेंगे, 15 दिन में ये जवाब पुलिस जो अधीक्षक हैं उनको देना होगा। तो ये हम आपको जिलेवार तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये पेंडिंग केसेस की लिस्ट है, और इसमें मार्क हुआ है बकायदे जिन जिलों में 1000 से ऊपर पेंडिंग शिकायतें हैं उनके ऊपर अब सख्त रुख अपनाते नजर आ रहे हैं गृहमंत्री अनिल विज, और उनकी तरफ से जवाब भी तलब किया गया है, अधिकारियों से जवाब तलब करते नजर आए। 15 दिनों में ये जवाब मांगा है अनिल विज ने। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, गृह मंत्री अनिल विज ने ये जानकारी दी है कि उन्होंने जो प्रदेश के 13 जिलों के एसपी हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल जो समीक्षा की गई थी अनिल विज की तरफ से, पिछले दिनों विभाग में बैठक हुई थी, उसमें समीक्षा हुई थी, उसके बाद अनिल विज ने यह फैसला किया था कि जिन जिलों में पेंडेंसी यानी जो FIR है, शिकायतें जो है जिनकी पेंडेंसी जिन जिलों की 1000 से ज्यादा है, उन जिलों में इतनी पेंडेंसी होने की आखिर वजह क्या है, इसको लेकर जो है उन्होंने 13 SP से जवाब मांगा है। ये 13 वो जिले हैं जिनमें शिकायतें जो है वो पेंडिंग शिकायतें 1000 से ज्यादा है। इसी के चलते इन सभी जो है 13 SP है इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, और इसके अलावा जो अन्य जिले है वहाँ से शिकायतें वहाँ भी हैं पेंडिंग, लेकिन 1000 से आंकड़े में कम होने के चलते वो स्पष्टीकरण के जो है वो क्राइटेरिया में नहीं आए हैं, लेकिन जिनकी शिकायतें 1000 से ज्यादा पेंडिंग है उन 13 SP को जो है वो अब जवाब देना है, स्पष्टीकरण अपना देना है कि इन शिकायतों के पेंडिंग होने की आखिरकार वजह क्या रही। और अगर पूरे प्रदेश में उन शिकायतों की बात करें, पेंडिंग शिकायतों की बात करें, तो 29,300 से भी ज्यादा शिकायतें जो है वो पेंडिंग है जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, जिनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। तो ये जो है वो पूरे प्रदेश का आंकड़ा है, लेकिन 13 जिले ऐसे हैं जिनकी पेंडेंसी 1000 से ऊपर है। इसी के चलते इन 13 SP से गृह मंत्री अनिल विज ने 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वो रिपोर्ट की तस्वीर है जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिले में किस तरीके से 1000 से ऊपर जहां पर शिकायतें सामने आई हैं, अनिल विज गृह मंत्री ने जो है 15 दिन में रिपोर्ट तलब करी है, जवाब भी मांगा है।